दोस्तों, भारत का पड़ोसी और कट्टर दुश्मन चीन हर वक्त उसके खिलाफ साजिश रचता रहता है। वो या घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है, दूसरी तरफ इसी चीनी ड्रैगन का साथ ही पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को हमेशा अपनी निगाहें इन पर गड़ाए रखनी पड़ती हैं। और भी उल्टी सीधी हरकत करते ही इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना होता है। लेकिन धरती पर लड़ी जा रही ये लड़ाई अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। यहां भी चीनी ड्रैगन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है और उस पर निगरानी रखने की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों देशों की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। उसने भी ऐसी ही तैयारी की है कि जिससे इन दोनों देशों की टेंशन बढ़ गई है। आखिर क्या किया है चीन और पाकिस्तान ने, क्यों भारत ज्यादा सजग हो रहा है और इन दोनों के खिलाफ क्या करने की तैयारी कर रहा है भारत? दोस्तों, इन सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया में आज ताकत हासिल करने का तरीका बदलता जा रहा है। आज के समय में दुनिया का बादशाह बनने के लिए धरती पर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ी जा रही है। ये माना जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही दुनिया पर राज करेगा। इस लड़ाई में अमेरिका, रूस, जापान, भारत सभी शामिल हैं। ये सभी देश एक से एक एडवांस और खतरनाक मिशन को अंजाम देकर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सत्ता की रेस में भारत जैसे देश को अपने दुश्मन से सामना करने के लिए बहुत मजबूत बनने की जरूरत है। अभी हाल ही में सामने आया है कि भारत का कट्टर दुश्मन चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतरिक्ष में भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिससे भारत टेंशन में आ गया है। दरअसल भारत की तरफ हमेशा तिरछी निगाहें रखने वाले चीन के दिमाग में अब एक नई साजिश चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन अंतरिक्ष में भारत को घेरने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन की इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि भारत उसकी गतिविधियों पर नजर रखे। इसके लिए चीन अपना अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है, जिसका सहारा लेकर वो भारत को निशाने पर ले सकता है और कई तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में युद्ध में वही आगे रहता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया सैटेलाइट है, जो युद्ध का रुख बदल देते हैं। भारत अपने दुश्मनों के हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। लेकिन अब चीन भारतीय सैटेलाइट्स को किसी भी खुफिया जानकारी से दूर रखना चाहता है। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को इसका मोहरा बनाया है और अपनी अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार पाकिस्तान को सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की इस चाल के पीछे भारत को खुफिया जानकारी से दूर करना है। आपको बता दें कि जुहाई गुआंगडोंग में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी में पहली बार इस रडार को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में 10 मीटर का SLC-18 रडार रखा गया, जो बहुत ही प्रभावी है। इस रडार ने हर तरह की स्थिति में कई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का पता लगाया। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी का एक कारण इसकी कीमत है। ये रडार बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है। इस रडार को चीन की सरकारी कंपनी चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन यानी CETC ने बनाया है। यही कंपनी चीनी सेना के लिए कई मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है। CETC के उप महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि ये रडार मित्र देशों को अंतरिक्ष में मौजूद टारगेट का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। युद्ध के मैदान में ये संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुन लेई के बयान को डिकोड करें तो पाकिस्तान के हर कदम पर भारत के सैटेलाइट निगरानी रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं तो भारत हर मूवमेंट पर नजर रख सकेगा, लेकिन इस रडार से पाकिस्तान देख सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहाँ है। इसे देखते हुए वो आगे बढ़ सकेगा। ये रडार किसी भी सैटेलाइट की ट्रैकिंग करके उसके पाथ का पता लगा लेता है। इसके बाद सैटेलाइट ग्राउंड पर बैठे अधिकारियों को सिग्नल के जरिए बता देता है कि किस समय सैटेलाइट उनके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार चीन सप्लाई करता है। चीन ने पाकिस्तान को विमान, पनडुब्बी और मिसाइल सप्लाई किए हैं। स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI के मुताबिक 2017 से 2021 तक 5 साल के बीच में पाकिस्तान ने अपने कुल हथियारों का 72% चीन से खरीदा है।
है। चीन के कुल हथियारों के निर्यात में 47% पाकिस्तान को हुआ है। इसके अलावा सीटीसी के उप महाप्रबंधक सुनील लेई ने कहा कि ये एडवांस हथियार पाकिस्तान को सुरक्षा मोर्चे पर ताकतवर बनाएंगे और सामरिक क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे में अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी करने के लिए अगर चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा करता ही रहता है। दोस्तों, चीन अंतरिक्ष के मोर्चे पर भारत की घेराबंदी में जुट चुका है। इसके लिए ड्रैगन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। ड्रैगन पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार देने जा रहा है, जिसका सहारा लेकर वो निशाने पर ले सकता है। इतना ही नहीं, खबर है कि पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान ने भारत की गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को सुरक्षा मोर्चे पर सतर्क होने की जरूरत है। वहीं इस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में भारत के पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे आधुनिक सैटेलाइट हैं जिनके जरिए वो चीन और पाकिस्तान की हर हरकतों पर नजर रखता है, जिसमें कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, जीसैट 7, जीसैट 7A, RIS-2B, कार्टोसैट 3, EMISAT जैसे सैटेलाइट शामिल हैं। दोस्तों, कार्टोसैट 2A का अर्थ एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट में पैन क्रोमेटिक कैमरा लगाया गया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्लिक करता है। ये भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, क्योंकि इसमें फंडिंग रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये इसरो द्वारा लॉन्च 13 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को भारत के टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। कार्टोसैट 2B इस सैटेलाइट की श्रृंखला में चौथा उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित 17वां उपग्रह है। इस उपग्रह को 116 अल्जीरियन उपग्रह कनाडा और स्विट्जरलैंड से एक एक नैनो उपग्रह और एक एक स्टूसैट पीको सैटेलाइट के साथ 12 जुलाई 2010 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। जीसैट 7 सबसे नया मिलिट्री सैटेलाइट है। जीसैट 7 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मल्टी बैंड सैन्य संचार उपग्रह है, जिसे रुक्मणी नाम दिया गया था। इनका सबसे ज्यादा उपयोग मिलिट्री संचार में होता है, ताकि फाइटर जेट सही समय पर टारगेट पर पहुंच सकें। इसके जरिए नौसेना आराम से युद्ध पोतों और सबमरीन को रणनीति के अनुसार तैनात कर सकती है। ये पूरी तरह से मिलिट्री सैटेलाइट है। जीसैट 7A जिस तरह से जीसैट 7 को नेवी के लिए बनाया गया है, ठीक उसी तरह से जीसैट 7A को खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। यह भी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की 30% कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करती है। 19 दिसंबर 2018 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए मिलिट्री सैटेलाइट जीसैट 7A को एंग्री बर्ड भी बुलाया जाता है। इसने वायुसेना की नेटवर्किंग क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, RIS-AT 2B भारत का रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे 22 मई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट RIS-AT श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। RIS-AT 2 भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज किया गया था, जिसके कारण ये दिन रात या किसी भी मौसम में मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी रखती थी। RIS-AT 2B में भी यही खूबियां हैं। चाहे आकाश में बादल छाए हों या अंधेरा हो, RIS-AT 2B उपग्रह आसानी से पृथ्वी की बेहद तस्वीरें ले सकता है। वहीं कार्टोसैट 3 साल 2019 में लॉन्च किया गया था। यह थर्ड जनरेशन की इमेजिंग सैटेलाइट है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम यानी कि 9.84 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकता है। यानी आपकी कलाई पर बंधी घड़ी पर दिख रहे सही समय की भी सटीक जानकारी दे सकता है ये। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर कार्टोसैट उपग्रहों की मदद ली गई थी। इसके अलावा EMISAT यह ऐसा सैटेलाइट है जिसे प्रोजेक्ट काटिल्ले के तहत DRDO के अंडर में बनाया गया है। यह एक रिकॉन्सेंस उपग्रह है जिसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस को हासिल करने में किया जाता है।